हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप एंड आई विश यू गॉट यू ऑल आर फाइन विद अ ग्रेट अवार्ड विद योर फैमिली। आई एम दिग्विजय सिंह, आई विल टीच यू मैथ्स ऑफ क्लास 9th टॉपिक एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल, दैट इज चैप्टर 9 ऑफ एनसीईआरटी। इन प्रीवियस वीडियो आई टॉट थ्योरम्स एंड सॉल्यूशंस, न्यू थ्योरम्स, न्यू प्रॉब्लम्स। नाउ इन दिस क्लास आई विल सॉल्व थ्योरम 9.2 ऑफ एनसीईआरटी। Theorem 9.2 NCERT। Theorem क्या कह रहा है कि two triangles on the same base and between the same parallel are equal in area। Exam में कैसे आएगा? Prove that if two triangles lies on the same base and between the same parallels, then they are equal in area। अगर दो ट्राइंगल है, दोनों का बेस सेम है, इन द सेंस क्या है, ध्यान दीजिएगा। हम ये दो ट्राइंगल बना रहे हैं, ध्यान समझना बेटा। अगर दो लाइन हम पहले पैरेलल ड्रा करें, ये लाइन L है और ये लाइन M है। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर ऑन सेम बेस। BC सेम बेस का मतलब दोनों में एक साइड कॉमन, सेम बेस BC एंड बिटवीन सेम पैरेलल एंड पैरेलल है। टू प्रूव एरिया ABC इक्वल टू एरिया ABC, कोई वो नहीं है, बस थोड़ा दिमाग लगाना है बेटा। टू आर जितने भी ट्राइंगल अगर सेम बेस है और दो पैरेलल के बीच में है, उनकी एरिया आपस में इक्वल होगी, ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग प्रूव करेंगे कैसे, इस पर क्वेश्चन भी लगाएंगे। टू ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। देखो बेटा क्या कर, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन ग्राफ ED के पैरेलल लाइन आके छोड़ा था, ग्राफ CP पैरेलल BD एंड CD के पैरेलल। BQ पैरेलल CD, BD के पैरेलल ये और ये पैरेलल ड्रा किया और इसके पैरेलल इसको पर तो BCPD, BCPD इन क्वाड्रिलेटरल BCPD क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान समझिएगा। BC parallel DB and CP parallel BD, therefore BCPD is a parallelogram। अब उन्हें चार्ट पैरेलल हुई तो क्या हो गया, पैरेललोग्राम। सिमिलरली BCDQ आल्सो अ पैरेललोग्राम। BC और QD पैरेलल है, CD और BQ पैरेलल, पैरेललोग्राम हो गया। देयरफॉर पैरेललोग्राम BCPD एंड BCDQ
पैरेललोग्राम बी सी डी क्यू एंड पैरेललोग्राम्स बी सी डी क्यू आर ऑन सेम बेस बी सी एंड क्यू बी पैरेलल बी सी, चाहे आप लिख सकते हैं एल पैरेलल है। थ्योरम 9.1 बाय थ्योरम 9.1 एनसीईआरटी लिख दिया कि टू आर मोर पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम्स यानी कि मोर देन टू, पैरेललोग्राम्स टू या मोर देन टू, पैरेललोग्राम्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। यहां पे बीसी बीडी और बीसीडीक्यू दोनों सेम बेस हो गया, बीसी और दो पैरेलल के बीच में है, क्या हो जाएगा एरिया बीसीबीडी इक्वल एरिया बीसीडी। ओके अब ध्यान दो बेटा, इनके एरिया आपस में इक्वल है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब BC is a diagonal of parallelogram BCPD. DC क्या है? हम इसको जरा मिटा दे रहे हैं, आपको समझ ज्यादा अच्छे से लगेगा। ये DC इसका एक diagonal है, जब DC diagonal है तो Pythagorean 8.1 NCERT डायगनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कांग्रुएंट ट्रायंगल थ्योरम 8.1। ट्रायंगल डीबीसी कांग्रुएंट ट्रायंगल सीपीडी देयरफॉर एरिया डीबीसी इक्वल टू एरिया, अगर दो ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए तो उनके एरिया आपस में आर एरिया डीबीसी इक्वल हाफ एरिया बीसीबीडी। अगर ये दोनों ट्रायंगल एरिया आपस में इक्वल है तो एक जो होगा पूरे का हाफ होगा, हाफ हो गया। अब देखिए भाई इसको मिला, सिमिलरली इन पैरेललोग्राम बी सी डी क्यू, बी सी डी क्यू में क्या दीजिएगा, बी सी डी क्यू में जो है इसकी एरिया थोड़ा सा लग रहा है मिस्टेक हुआ हमसे, हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है सीपी को बीडी के पैरेलल ग्रुप किया और बी क्यू को सीए के पैरेलल ड्रा करना, सीए पैरेलल याद दीजिएगा, जब सीए के पैरेलल ध्यान देगा तो बी सी ए क्यू पैरेलल होगा। सिमिलरली बी सी ए क्यू, जब बी सी ए क्यू पैरेलल होगा बी सी बी डी और बी सी ए क्यू पैरेलल हो जाएगा तो दोनों की एरिया आपस में इक्वल हो जाएगी, दोनों सेम पैरेलल के बीच में, ठीक है एल पैरेलल है। ओके बेटा तो जब हम क्या करेंगे BCAQ, अब देखिए सिमिलरली इन पैरेललोग्राम BCAQ ठीक है क्या हो जाएगा एरिया ABC इक्वल, याद रखिएगा बेटा एरिया ABC इक्वल हाफ एरिया BCA। यहां पे हम इसको मिटा दें थोड़ा सा, तो AB डायगोनल हो गया, जब AB डायगोनल हो गया BCAQ में AB डायगोनल तो इन दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट होंगे, इन दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट होंगे तो एरिया आपस में इक्वल हो गया, ये पूरे का हाफ होगा। ध्यान दीजिएगा बेटा ये अच्छे से समझिएगा, क्या इसको लिख सकते हैं, यहां देखिए R एरिया ट्रायंगल ABC आप एरिया BCAQ को हम क्या कर रहे हैं BCPD, क्या लिख लेंगे एरिया BCAQ इक्वल टू एरिया BCPD, एरिया इक्वल है
तो इसको इक्वेशन सेकंड कर लीजिए और इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, जब राइट हैंड साइड इक्वल हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, एरिया ट्रायंगल ABC। इसको हम फार्मूले से भी प्रूव कर सकते हैं, इसके बाद हम प्रूव करा देंगे फार्मूले से भी, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल इतना जानिए कि अगर टू ट्रायंगल्स या दो से ज्यादा ट्रायंगल का बेस सेम है और दोनों दो पैरेलल के बीच में है तो उनके एरिया आपस में इक्वल होगी। एक तो ये तरीका हो गया, इसी को हम दूसरे तरीके से प्रूव कराएंगे दूसरे वीडियो में, इसके नेक्स्ट वीडियो में इसी थ्योरम को दूसरे तरीके से प्रूव कराएंगे, उसको फार्मूला बेस्ड प्रूफ कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी लग जाएगा। तो कहने का मतलब यह है बेटा, आप आराम से चाहे तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये थ्योरम प्रूफ हो गया है, आप आराम से देख सकते हैं दिया हुआ है, लाइन है पैरेलल है ना, जो ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीबीसी जिनका बेस सेम है बीसी, दोनों के एरिया इक्वल प्रूफ करनी है। हमने क्या किया, बीडी के पैरेलल सीबी ड्रा कर लिया और सीए के पैरेलल बीक्यू ड्रा कर लिया, बीसी बीडी और बीसी एक्यू को पैरेलोग्राम शो करके दोनों के एरिया इक्वल दिखा दिया 09.1, दोनों के एरिया इक्वल हो गए। छुपा डायगोनल के माध्यम से दो कॉन्केव ट्रायंगल लेके दोनों के एरिया इक्वल किया, तो जब एक के दो पार्ट होते हैं तो एक पूरे का हाफ होता है, ये पूरे का हाफ हो गया, उसी तरीके से ये पूरे का हाफ हो गया, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये भी आपस में इक्वल होंगे, कहानी फाइनल, हमने इक्वलिटी से कर दी। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आई विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो फॉर इसी थ्योरम को नेक्स्ट तरीके से सॉल्व करेंगे, फॉर्मूले तरीके से, और फिर कन्वर्स भी सॉल्व कर देंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आई विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।